तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एक तरफ आईफोन है और एक तरफ एंड्रॉयड है। और एंड्रॉयड भी बिल्कुल आईफोन की तरह ही वर्क कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो, दोनों के डिस्प्ले सेम है, दोनों के थीम सेम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड को आईफोन की तरह हम कैसे बनाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, ये काम करना बिल्कुल आसान है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अपना जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन है उसको आईफोन में बदलने के लिए आपको एक बस छोटा सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ज़्यादा एमबी का भी नहीं है। अगर आप दूसरे को भी दिखाना चाहते हैं, मेरे पास आईफोन है, वैसे तो आईफोन है नहीं, मतलब कुछ भी। तो आपको क्या करना है, एक ऐप है प्ले स्टोर पर जाना है, जैसे मेरे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है फोन 14 लॉन्चर, वो जाके आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा आपको, आपको सिंपली एक दो सेकंड वेट करना है, ये आप खुद ही खुल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो, उसमें कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स आपको ऑन करनी है। जितनी जितनी सेटिंग ऑन करने के लिए वो आप कर देना, ये कुछ सेकंड का प्रोसेसिंग होती है, जिससे आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन भी आईफोन की तरह वर्क करने लगता है। पर वो पूरा आईफोन तो होता नहीं है, देख सकते हो आप। जैसे मेरे स्क्रीन पर भी, जैसे मैंने भी सारे परमिशन ऑन कर दिया है। परमिशन ऑन करने के बाद आप डायरेक्ट अपने डिस्प्ले पर आ सकते हो। देख सकते हो आप, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा अपने स्मार्टफोन का, बिल्कुल आईफोन की तरह, आईफोन 14 की तरह। और ऊपर जैसे नोच आते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ ऐसा आता है आईफोन में, वैसे भी आपको दिख जाएगा इसमें भी, बिल्कुल आपको आईफोन 14 की तरह फील होगा। बट ये एंड्रॉइड आईफोन 14 नहीं होगा आपका, कुछ सेकंड के लिए आपके लिए मजाक के लिए हो सकता है, बट फुल टाइम के लिए, क्योंकि आपका इससे हैंग होने लगेगा स्मार्टफोन, और ये आपको काफ़ी डाटा भी कंज्यूम करेगा। तो आप ये कुछ देर के लिए दूसरे को दिखा सकते हो, मेरे पास भी आईफोन है, बट ये आप हमेशा के लिए इंस्टॉल मत करना, इसमें हमको प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे डाटा इधर उधर जा सकता है। बट आप कुछ सेकंड के लिए इसको कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इसमें आपके कोई आईडी मांगेगा, बस परमिशन ऑन करने के लिए कहेगा, आप वो करके दिखा सकते हो दूसरे को, मेरे पास भी आईफोन है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो ऐसी वीडियो देखने नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।